हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को और सुप्रभात। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो कल जो कुछ भी घटा और उसके लिए उसमें से हमारे एग्जाम के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, उस सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर? तो इसका जवाब है आपका 16 अक्टूबर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट्स में भी है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहां से आप इसका PDF ज्वाइन कर सकते हैं। तो @AmanTrivedi अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहां से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, @AmanTrivedi आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर 16 वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है अक्टूबर 16 को। तो हम एक बारी फिर से सारे डेज को रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड अक्टूबर 10 वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, अक्टूबर 11 इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, अक्टूबर 12 वर्ल्ड ऑथराइटिस डे, अक्टूबर 13 कैलेमिटी कंट्रोल डे, अक्टूबर 14 आपका विश्व मानक दिवस और ई वेस्ट डे, 15th आपका स्टूडेंट्स डे भी होता है, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन भी होता है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी होता है, अक्टूबर 16 वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड एनेस्थीशिया डे एंड वर्ल्ड स्पाइन डे होता है, और वर्ल्ड अक्टूबर 17 आपका गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। और गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर UNCRC के अपनाने का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी टू यूज रोप वे सर्विसेज फॉर द पब्लिक। कौन सा भारतीय शहर जनता के लिए रोप वे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला शहर बन गया है? तो ऑप्शन है कानपुर, नई दिल्ली, आगरा या वाराणसी। तो इसका जवाब है आपका वाराणसी। वाराणसी पहला शहर बन गया है जिसने रोप वे का इस्तेमाल किया है पब्लिक के लिए। ठीक है, तो रोप वे सर्विसेज को पब्लिक के लिए इस्तेमाल करने वाला वाराणसी पहला शहर बना है आपका। ठीक है, वाराणसी जनता के लिए रोप वे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। उत्तर प्रदेश का वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोप सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। कुल मिलाकर वाराणसी दुनिया का तीसरा ऐसा शहर होगा जहां सार्वजनिक परिवहन में रोप वे का इस्तेमाल किया जाएगा। रोप वे परियोजना की कुल लागत 424 करोड़ रुपए है। 4.2 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय की जा सकेगी। यूपी की राजधानी है लखनऊ, आपकी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। अगला सवाल है हमारा, इसके अलावा ये आपका फैक्ट था, दो तीन दिन से आ रहा था बट मैं इसे इंक्लूड नहीं कर पाया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को आप डिसॉल्व कर दिया और उससे 7 नए सार्वजनिक उपक्रमों को बनाया है जिसे देश को समर्पित किया। आयुधी निर्माण बोर्ड OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया, 1 अक्टूबर 2021 से भंग होने के बाद हुआ है। OFB के तहत 41 कारखाने और 9 सहायक निकाय थे। 7 न्यू डिफेंस PSUs बनाए हैं, पहला है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एज एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड या ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। तो इतने सारे इन्होंने अलग अलग सार्वजनिक उपक्रम बनाए हैं। अगला सवाल है, हुनर हाट टू बी ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। हुनर हाट का आयोजन 2021 में किस शहर में होगा, कानपुर, नई दिल्ली, आगरा या फिर रामपुर? तो इसका जवाब है आपका रामपुर। रामपुर में हुनर हाट का आयोजन किया जाने वाला है। 16 से 25 अक्टूबर को नुमाइश ग्राउंड रामपुर में आपके हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है जो कि 75वां समारोह है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं इस समय मुख्तार अब्बास नकवी, शायद आपको ये न दिख रहा हो। और इसके अलावा इसमें एक फैक्ट ये भी है कि विश्वकर्मा वाटिका सेटअप की जाएगी। हुनर हाट्स में विश्वकर्मा वाटिका सेटअप की जाएगी। भारत सरकार के कारीगरों और शिल्पकार के सदियों पुराने कौशल की भारतीय गौरवशाली विरासत की रक्षा, संरक्षण और प्रचार करने के लिए प्रत्येक साल हुनर हाट का आयोजन होता है। इसमें विश्वकर्मा वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह इस तरह का पहला विश्वकर्मा वाटिका होगा तक आयोजित तो रामपुर उत्तर प्रदेश में हुनर हाट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, विश्वकर्मा वाटिका का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। स्किल एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं इस समय, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, हु इज अपॉइंटेड एज, मैंने नाम ही लिख दिया है, पंकज कुमार को कर्नाटका बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हु इज अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कर्नाटका बैंक? तो जवाब है आपका पंकज कुमार। पंकज कुमार को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है कर्नाटका बैंक का। AK गोयल आपके IBA इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए हैं, हमने कल ये पढ़ा था। दिनेश कुमार खरा आपके SBI के चेयरमैन हैं। ठीक है,
ये हमने कल पढ़े थे। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध पंकज कुमार को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है कर्नाटका बैंक का। वह भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कॉरपोरेट बैंकिंग के रूप में सेवानिवृत्त हुए। पंकज कुमार पंजरा ने पहले स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। विश्व क्रिकेट में T20 मैचों में 300 मैचेस में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, डैरन सैमी, इयान मॉर्गन या फिर विराट कोहली। तो जवाब है आपका महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी 300 मैचेस T20 मैचेस में कप्तानी करने वाले पहले विश्व के खिलाड़ी बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अक्टूबर 2021 को विश्व क्रिकेट के 300 T20 मैचेस में कप्तानी कर दी। उन्होंने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की। दूसरे स्थान पर हैं डैरन सैमी, जिन्होंने वेस्टइंडीज और विभिन्न फ्रेंचाइजी के लिए 208 मैचों में एक टीम का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल किस स्थान पर उद्घाटन किया गया? विशाखापट्टनम, अमरावती, हैदराबाद, रामेश्वरम या फिर चेन्नई। तो विशाखापट्टनम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। तो यहाँ पे आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती के अवसर पर 15 अक्टूबर 2021 को नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। का अमृत महोत्सव आज़ादी के अमृत महोत्सव पर किया जा रहा है। डीआरडीओ के प्रमुख नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला है NSTL। डॉक्टर कलाम की एक प्रतिमा का अनावरण भी डॉक्टर समीर वी कामत महानिदेशक नौसेना प्रणाली और डीआरडीओ द्वारा किया गया। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य बच्चों को कोविड-19 की वैक्सीन देने वाला पहला राज्य बन गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। तो जवाब है इसका आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु भारतीय राज्य बन गया जिसने कोविड-19 की पहली वैक्सीन दी है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के आपके गवर्नर हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर हैं आपके पिनराई विजयन। ठीक है, कर्नाटका और बाकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला राज्य बन जाएगा कोविड-19 की वैक्सीन देने वाला बच्चों को। 2 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड-19 टीका लगने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। गर्भवती महिलाओं को भी टीका देने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बना था। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन लॉन्चेस फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड। यूरोपीय संघ ने 2 अक्टूबर 2021 में पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया। यूरोपीय संघ ने 2 अक्टूबर 2021 में पहला नेक्स्ट जनरेशन EU ग्रीन बॉन्ड 2 अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया। इट रेज 12 बिलियन यूरोज to be allocated exclusively to green and sustainable investment across European Union. This was the largest green bond order book ever in global capital markets, and the EU is set to become the world's largest green bond issuer by far. इसके अलावा which team has won SAFF championship? SAFF championship किसने जीती? इंडिया, नेपाल, मालदीव्स या फिर बांग्लादेश? तो इसका जवाब है बांग्ला भारत। भारत ने SAFF championship जीत ली है नेपाल के खिलाफ हुए मुकाबले में 3-0 से नेपाल को हरा के। अब SAFF championship है क्या? SAFF championship साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप है आपकी ये। ठीक है, इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये देश पार्टिसिपेट करते हैं। साउथ एशियन फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन चैंपियनशिप जो है ये लाहौर में 1993 में शुरू हुई। 2021 का जो एडिशन था वो पोस्टपोन हुआ 2 बार और अक्टूबर 2021 में हुआ ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। 2018 का जो एडिशन था उसके होस्ट थी बांग्लादेश और जीता था मालदीव्स। ठीक है, इस बार जो होस्ट था वो था मालदीव्स और जीता है भारत। भारत ने नेपाल को 3-0 से हराया है और इंडिया इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है, 8 बार टोटल। भारत के कोच हैं इस समय आइगोट स्टीमैक जो कि क्रोएशियन फुटबॉलर हैं और भारतीय टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट गुड़गांव में हेली हब स्थापित करने वाली है। भारत हरियाणा सरकार ने हेली हब स्थापित करने के लिए गुड़गांव में एक स्थान की पहचान की है। इस संबंध में जल्द ही एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार ने एयर टरबाइन ईंधन पर वैट दरों को 20% से घटा के ये हेली हब से रिलेटेड है। अभी ये डेवलपमेंट में है इसलिए मैंने इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। हाल ही में रवि बरोड जी का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा, क्रिकेट, राइटर थे या फिर बैडमिंटन? तो इसका जवाब है आपका क्रिकेट। रवि बरोट आपके क्रिकेटर थे जिनकी हाल ही में 29 साल की उम्र में मौत हो गई। सौराष्ट्र के बैट्समैन थे रवि बरोट। एक फॉर्मर इंडियन अंडर 19 कैप्टन रहे हैं।
और अ मेंबर ऑफ द रणजी ट्रॉफी विनिंग टीम 2019-20 के सीजन में रहे हैं। उनकी अक्टूबर 2021 में मौत हो गई। ही हैज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड हरियाणा एंड गुजरात इन हिज करियर। इन्होंने हरियाणा और गुजरात को भी रिप्रेजेंट किया है। बरोड प्लेड 38 फर्स्ट क्लास मैचेस, 38 लिस्ट ए मैचेस एंड 20 डोमेस्टिक 220 गेम्स। इन्होंने 1547 रन बनाए फर्स्ट क्लास मैच में, 1030 रन लिस्ट ए गेम्स में और 717 रन T20 मैचेस में बनाए हैं। एनएसजी के प्रमुख कौन है? एनएसजी के प्रमुख का नाम पूछा है श्री एम ए गणपति, जनरल मुकुंद नरवणे, जनरल बिपिन रावत या श्री एस एस देसवाल। तो श्री एम ए गणपति एनएसजी के चीफ हैं, जनरल मुकुंद नरवणे हमारे आर्मी चीफ हैं और जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और श्री एस एस देसवाल ये BSF के चीफ हैं इस समय। तो BSF चीफ हैं श्री SS देसवाल और MA गणपति हैं NSG के प्रमुख। हमने किसकी बात क्यों करी? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने 37th रेजिंग डे मनाया है अपना, और हर साल ये अक्टूबर 16 को अपना संगठित दिवस मनाते हैं। इन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। 1984 में इन्हें बनाया गया था उस समय की यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा टू क्रिएट अ फेडरल कंटिजेंसी फोर्स, मतलब आकस्मिक स्थिति में उत्पन्न होने वाली ऐसी परिस्थितियों के लिए बनाया गया था। दे आर वेल ट्रेन टू टैकल द वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ टेररिज्म। दिस फोर्स इज इंटेंडेड टू बी डिप्लॉयड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ओनली। कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती हैं तभी असाधारण परिस्थितियों के लिए इन्हें बनाया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता है एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल में, तो ये आवश्यक है। एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल में भारतीय सेना ने गोल्ड मेडल जीता है। एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल, समटाइम इसे ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी माना जाता है, इसका मेडल भारत ने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इंडियन आर्मी ने कुल 96 टीम्स में पार्टिसिपेट किया। भारत की 4-5 गोरखा राइफल्स ने विच रिप्रेजेंटेड इंडियन आर्मी एट द प्रेस्टिजियस कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज एट ब्रेक ऑन वेल्स UK फ्रॉम 13-15 सितंबर हैज बीन अवार्डेड एज गोल्ड मेडल। इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चूंकि सैटरडे था तो सैटरडे को कम करंट अफेयर्स डेवलप होता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग मंडे को। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट ईयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।